हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद विच कंपनी टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए और नवीनीकरण ऊर्जा के विकास में मदद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट ऑप्शन है OIL, सेकंड ऑप्शन है ONGC और थर्ड ऑप्शन है OLC और फोर्थ ऑप्शन है LLC। तो राइट ऑप्शन रहेगा OIL। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए जगह खोजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन अमोनिया हाइड्रोजन के लिए भी स्थान चिन्हित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश में बात करें, सबसे पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट था वो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नैला जो गांव है भाखड़ा बांध के पास, वहां पे लगाया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, हिमाचल प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्टीट्यूट वाज रिसेंट अवार्डेड The International Green University Award 2022 at the Green School Conference held in New York। किस संस्थान को हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित ग्रीन स्कूल सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हरित विश्वविद्यालय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। CSK यूनिवर्सिटी, YSP यूनिवर्सिटी, HP यूनिवर्सिटी, पटेल यूनिवर्सिटी। तो राइट ऑप्शन रहेगा YSP यूनिवर्सिटी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों की अटल रैंकिंग के तहत इस विश्वविद्यालय को 2021 में प्रॉमिस्ड बैंड में 11वां स्थान दिया था। अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्थानों द्वारा वित्त पोषित 99.41 करोड़ की लागत से क्रियान्वित किया गया है, जिसमें 22 परियोजनाएं हैं। और बात करें 2022-23 में 9.92 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वाज द फर्स्ट आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, सेकंड ऑप्शन है जोगिंदर नगर, थर्ड ऑप्शन है कुल्लू और फोर्थ ऑप्शन है शिमला। तो राइट ऑप्शन रहेगा जोगिंदर नगर। ये जो जोगिंदर नगर है ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जोगिंदर नगर में हिमाचल का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज स्थापित किया गया था। अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। तब से यह कॉलेज जो है वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेर चौक के अंडर था। इसके साथ और डिस्कस करते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक आयुर्वेदिक PG कॉलेज है जो आपके पपरोला में स्थित है। इसकी जो स्थापना थी वो 1978 में हुई थी। इसी कॉलेज का दूसरा नाम है राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द ई ऑफिस सिस्टम विल बी लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली कब शुरू की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है जून, सेकंड है जुलाई, थर्ड है अगस्त और फोर्थ है दिसंबर। तो राइट ऑप्शन रहेगा जुलाई। डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजिटल रूप में उन्नत राज्य बनाया जाएगा हिमाचल को। ई ऑफिस प्रणाली 24 निदेशालय, 4 उपायुक्त कार्यालय, 1 पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 3 क्षेत्रीय कार्यालयों में। राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सभी 109 शाखाओं और 70 निदेशालयों तथा सभी 12 उपायुक्त कार्यालयों में, सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में तथा अन्य फील्ड कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को आरंभ करना रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लीगल कैनबिस कल्टीवेशन। भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड और थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो राइट ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड। बात करेंगे भांग की खेती की, तो उत्तराखंड में 2017 में भांग की खेती को वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना था। नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति में भांग को जैव ईंधन, रेसे या फिर उच्च गुणों के तेल के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हिमाचल में भी भांग की खेती की संभावना को तलाशा जाएगा और 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
with which agency MOU has been signed to improve drinking water and clean air in 5 cities in Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में 5 शहरों में पेयजल स्वच्छता हवाओं में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन डेवलपमेंट एजेंसी, सेकंड है फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, थर्ड है जापान डेवलपमेंट एजेंसी और फोर्थ है नन ऑफ दिस. तो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी. 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस परियोजना के अंतर्गत 612 करोड़ रुपए AFD द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में 204.85 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव ज्वाइंट जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इन हिमाचल. हिमाचल में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कितने स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 450, सेकंड ऑप्शन है 550 और थर्ड ऑप्शन है 650 और फोर्थ है 350. तो राइट ऑप्शन रहेगा 550. हिमाचल प्रदेश में जापान के 2835 करोड़ की वित्तीय सहायता से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा. जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से प्रदेश के अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. बात करेंगे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी. तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 को और इसका जो हेड ऑफिस है वो टोक्यो में पड़ता है, जो आपके जापान में है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच प्रीतम सिंह चौहान हैज बीन असाइंड द कमांड ऑफ चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम. ही बिकम्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल. अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच प्रीतम सिंह चौहान को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच के कमान सौंपी गई है. प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है उन्ना, सेकंड ऑप्शन है शिमला, थर्ड ऑप्शन है बिलासपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमीरपुर. तो राइट ऑप्शन रहेगा शिमला. भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम काठमांडू, जो कि आपके नेपाल में है, 22 से लेकर 28 मई तक होने वाले चैलेंजर कप पे दमदम दिखाएगी. शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र के निवासी प्रीतम सिंह चौहान, जो भारत की वॉलीबॉल टीम के हेड कोच रहे हैं, 2020 में अंडर 23 टीम के एशियन चैंपियनशिप में भी कोच रहे हैं और टीम ने कांस्य पदक जीता था. चौहान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में छात्रों की टीम के कोच रहे हैं, जिसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोसाइंस डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड द यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड. HP यूनिवर्सिटी के बायोसाइंस विभाग के किस सहायक आचार्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है. फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नेहा कुमारी, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर नीलम कुमारी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मनीषा कुमारी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. तो राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर नीलम कुमारी. बात करेंगे HPU की स्थापना हुई थी 1970 में और HPU के जो फर्स्ट वाइस चांसलर बने थे वो रामकरण सिंह बने थे. अगर बात करेंगे चांसलर की, चांसलर जो स्टेट का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसी को चांसलर बनाया जाता है. जब आपका गवर्नर चेंज होता है तो आपकी यूनिवर्सिटियों के जो चांसलर हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोटर हु वोटेड द म्युनिसिपल इलेक्शन इन कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की राजधानी में नगर निगम चुनावों के लिए मतदाताओं ने कितना प्रतिशत मतदान किया. फर्स्ट ऑप्शन है 56.97, सेकंड ऑप्शन है 57.97, थर्ड ऑप्शन है 58.97 और फोर्थ ऑप्शन है 59.97. तो राइट ऑप्शन रहेगा 58.97%. बात करेंगे तो हिमाचल में कहां पे कितने वोटर थे जब आपके नगर निगम के चुनाव हुए थे. तो यहां पे बात करें तो 93,920 में से 55,662 मतदाताओं ने वोट डाला. इनमें से 29,504 पुरुष और 25,881 महिलाएं मतदाता थी और 208 80 साल से ऊपर वाली आयु के लोग थे
और इनमें 69 जो थे वो सर्विस वोटर शामिल थे। बात करेंगे तो भट्टा कुफर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और जो पंथा घाटी है वहां पे सबसे कम मतदान हुआ। और बात करेंगे 2017 में जो आपके नगर निगम चुनाव हुए थे उनमें जो मतदान हुआ था वो 57.8% मतदान हुआ था। बात करें 2017 में हुए नगर निगम के चुनावों में नाभा और शांति बिहार बाढ़ में सबसे ज्यादा 66% जो मतदान हुआ था, जबकि बैनमोर में सबसे कम 47% मतदान दर्ज किया गया था। ये है आपके लिए पिछली वीडियो का क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बाय व्हाट नेम विल बी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट ए न्यू आइडेंटिटी। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अब किस नाम से नई पहचान मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है हिम शिखर, सेकेंड ऑप्शन है हिम क्राफ्ट और थर्ड ऑप्शन है हिम केयर और फोर्थ ऑप्शन है हिम दर्शन। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।